हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम हार्ड डिस्क को लैपटॉप हार्ड डिस्क को ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या है और कैसे ये कार्य करता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो मैंने सारा स्क्रू ओपन कर दिया है, एक स्क्रू पे यहाँ पे रहता है इसके अंदर, उसको भी मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको ओपन करके, देखिए यही हार्ड डिस्क है, इसमें यही सब सारी चीजें, ये डिस्क है, इसी पे राइट होता है जितने भी डाटा हम लोग कॉपी करते हैं, इसमें डेस्कटॉप पे या सिस्टम में रखते हैं वो सारा चीज इसी में रीड होता है और फॉर्मेट करने पे ये सब क्लीन हो जाता है। अब इसको हम लैपटॉप में लगा के चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है। ओपन किया है, ये मेरा हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा था, वैसे ये मैं ओपन किया हूँ तो यही समझ के कि ये खराब हो गया है, बनेगा नहीं तो ये लैब में खुलता है, इसमें एक भी धूल ककर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो फिलहाल ये कैसे हमारा हार्ड डिस्क कार्य करता है उसके लिए हम चेक करते हैं। देखिए मैंने लगा दिया है, सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है, अब इसको ऑन करते हैं। ये हमारा चल रहा है, ये खराब है इसलिए पूरे अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है, नहीं तो ये जो दिखा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वो पूरे अच्छे से हार्ड डिस्क पे जाता है। फिर स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे ही रीड करता है। इसमें तीन लेयर होता है, आप देख सकते हैं साइड से तीन लेयर होता है इसमें, ये उस पे जाके रीड करता है, ये अंदर का पूरा बनावट है। अब इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग इसमें और भी क्या क्या चीजें हैं, वैसे तो खराब हो ही गया है ये। इसको निकालने के लिए, इसको खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये मैग्नेट पे रहता है ये चीज, इसको हम क्या करेंगे आसानी से ऐसे पकड़ के, मैग्नेट पे रहता है ये, बस ये छूट जाएगा और इसको हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। अब इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ से खोलना पड़ेगा, यहाँ से खोल के निकाल सकते हैं। ये तीन लेयर में है, ये पिन डैमेज हो चुका है, इसी की वजह से कार्य नहीं कर रहा था, ये पिन डैमेज हो गया है। सर्किट बोर्ड में खोल रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि ये कार्बन और उन पकड़ लेता है, तब नहीं सही से काम करता हार्ड डिस्क। इसको सबसे पहले यही चेक किया जाता है,
इस बोर्ड को ओपन करके इसको अच्छे से कार्बन को साफ कर दें, तब भी बहुत ऐसे हार्ड डिस्क हैं जो सही हो जाते हैं। वैसे मैं इसको चेक कर चुका था, ये नहीं काम कर रहा है, फिर मैंने इसको ओपन किया। बस इसमें और कुछ है नहीं, इसमें बस डिस्क है एक लगा हुआ। अब डिस्क को इससे अधिक ओपन करना है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको रोकना पड़ेगा नहीं तो ये रहेगा नहीं। ओपन हो गया है, चुंबकीय इसमें देख सकते हैं। हाँ डिस्क है, देख सकते हैं। ये दो डिस्क रहता है, ये ऊपर नीचे रीड करता है। इसमें तीन सेंसर लगे होते हैं जो इसमें है, देख सकते हैं। दो डिस्क पे चार कार्य करता है, सॉरी ये दो डिस्क होता है, एक ऊपर रीड करता है, एक नीचे रीड करता है। टोटल चार इसमें लगे होते हैं, लेंस टाइप के होते हैं ये सब इसमें है, दोनों ऊपर नीचे रीड करते हैं। और तो कुछ है नहीं इसमें, आप देख सकते हैं इसको ओपन करते हैं। ये डिस्क हो गया, निकल गया। ये मोटर है जो इसको डिस्क को घुमाता है, बस और कुछ है नहीं इसमें, बाकी तो सब ओपन ही हो गया है। तो हार्ड डिस्क में, हमारे हार्ड डिस्क में यही इतने चीज होते हैं जो भी यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।